यूपी में नशे का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार चलाया जा रहा है और हर दिन इन पॉश इलाकों में बने रेस्टोरेंट के आगे युवक युवती की भीड़ देखने को मिलती है। बता दें कि इससे पहले भी इस थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है। वहीं पूर्व में एसपी राहुल भाटी ने भी बरेली सिटी का चार्ज लेने के बाद इस थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार पर नकेल कसने का काम किया था, लेकिन रेस्टोरेंट संचालकों के हौसले इतने बुलंद है कि कार्रवाई होने के बाद भी नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर सुनते हैं डीआईजी अखिलेश कुमार का क्या कुछ कहना है। हाँ, ये मामला अभी आप लोगों द्वारा बताया गया है और वीडियो भी दिखाया गया है। अगर किसी भी थाना क्षेत्र में हुक्का बार या अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा एसपी सिटी और अभी सारे शहर के क्षेत्र के सीओस को निर्देशित किया गया है कि शाम के टाइम पे सब भी जहाँ जहाँ पे शिकायतें मिलती वहाँ पे रेड करके और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करी जाएगी और इस तरह का कोई भी अगर संचालन हो रहा है उसको बंद किया जाए। आपको बता दें कि मामला बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार चलाया जा रहा है और हर दिन इन पॉश इलाकों में बने रेस्टोरेंट के आगे युवक युवती की भीड़ देखने को मिलती है। बता दें कि इससे पहले भी इस थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है। वहीं पूर्व में एसपी राहुल भाटी ने भी बरेली सिटी का चार्ज लेने के बाद इस थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार पर नकेल कसने का काम किया था। तो इसी खबर पर देखिए जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से हमारे सहयोगी शशांक जुड़ चुके हैं। शशांक, अगर बात करें तो हुक्का बाड़ की आड़ में हम देख रहे हैं कि युवक और युवती को नशे की लत लगाई जा रही है। ऐसे में बरेली में कई बार प्रशासन जो है वो छापामार कार्रवाई कर चुका है, लेकिन रेस्टोरेंट की आड़ में अभी भी इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। गोविंद, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से बरेली में नशे का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, पूरा मामला ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्लूबेरी रेस्टोरेंट का है, जहाँ इससे पहले एसपी सिटी ने चार्ज लेने से पहले इस पे छापा मारा था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होने के बावजूद भी ये चल रहा है। अगर बात करें शशांक, तो ऐसे संचालकों पर किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो 20 से 25 साल की आयु वर्ग के जो युवा होते हैं खासकर, वो इन रेस्टोरेंट की तरफ रुख करते हैं, वो हुक्का बार्स की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में पुलिस अब इन संचालकों पर किस तरह की कार्रवाई कर। गोविंद, मैं आपको ये बताना चाहूंगा जिस तरीके से बरेली क्षेत्र में ये इस तरीके के रेस्टोरेंट संचालित और युवा युवक युवती इसमें पूरी तरीके से नशे के गोरख धंधे में भी फंसते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर भी सपोर्ट के चलते ये सारे कार्य हो रहे हैं बरेली में। धन्यवाद शशांक इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार प्रशासन इस मामले से बेपरवाह बना हुआ है और जो संचालक है वो लगातार युवक युवतियों को हुक्का बार में नशे की जो लत है उसको लगाने के लिए कहीं ना कहीं आगे आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब देखने वाली बात होगी कि इन हुक्का बार संचालकों पर क्या कुछ कार्रवाई करता है।